दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का खतब समाचार में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें जिया शंकर और जद हबीब के बीच में कोई लव स्टोरी देखने को मिलेगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर देते हैं जी। हम आपको बता दें कि लाइव फीड में यहां देखने को मिल रहा है कि जद हबीब और जिया शंकर दोनों ही नजर आ रहे हैं और ये जो सेटअप है ऐसा लग रहा है कि दोनों ही यहां डेट पर आए हैं, क्योंकि दिन के अंदर इन दोनों के बीच में यहां प्यार भरी कुछ बातें हुई थी जहां जिया शंकर के हाथ पर किस करते हुए नजर आए थे जद हबीब और उन्होंने कहा भी था कि मुझे जो है तुम्हारी ऐसी लड़की पसंद है, तुम वाकई में मुझे पसंद और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस पर हम आपको बता दें कि यहां जिया शंकर भी कह रही थी कि आप तो हमेशा सभी लड़कियों के साथ मैं फ्लर्ट करते हो, लेकिन यहां जद हबीब ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जब आकांक्षा घर के अंदर आई थी तब बवाल हुआ था और जब वाकई में जिया शंकर के चेहरे पर यहां देखने को मिल रहा था कि उनको बुरा लगा है जिस तरीके से जद हबीब जो है यहां भाव दे रहा था आकांक्षा पुरी को, लेकिन अब जब रात हो चुकी है तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि लौटा हुआ वापस आ चुका है अपने घर पर और जिया और जद हबीब एक बार फिर से साथ में नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो प्यार में बदलती है या फिर नहीं। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर वाकई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।